गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कल मैंने आपको बुलबुल के बारे में बताया, बुलबुल के बारे में समझाया, बुलबुल की क्या विशेषताएं हैं। बुलबुल के साथ में मैंने मोर, तोता, सभी पक्षियों के बारे में आपको बताया था कि हमको हर पक्षी के बारे में पढ़ना चाहिए और हमको इतना ज्ञान होना चाहिए कि हर पक्षी के बारे में हम 5 वाक्य कम से कम लिख सकें। तो बुलबुल लेसन का एक बार मैं और ये लेसन मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। तो हमको इसके कठिन शब्द भी मैंने कराए थे, लेकिन एक बार फिर मैं और लेसन को पढ़ रहा हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए कि आप आराम से बुलबुल के बारे में 5 वाक्य लिख सकें। तो सबसे पहले आप अपना बुक निकाल लीजिए और मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, देखिए। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वो चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना, सिरा यानी छोर। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। ये बुलबुल के बारे में आपने कल भी पढ़ लिया, आज भी पढ़ लिया। अब इसमें से कुछ आपके लिए पहले मैं कठिन शब्द लिखा रहा हूँ और कठिन शब्द के बारे में मैं बुलबुल की कुछ विशेषताएं आपके लिए लिखाऊंगा कि बुलबुल में को हम कैसे पहचान सकते हैं। और ये भी बताया था पक्षी चिड़िया है, तोता है, इस तरह के जो पक्षी थे अधिकांश वो शाकाहारी होते हैं, अनाज खाते हैं, फल खाते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो मांसाहारी भी होते हैं, जैसे कौवा है। कौवा किसी भी छोटे मोटे जीव जंतु को मारकर खा जाता है और रोटी भी खा जाता है, यानी अनाज भी खाता है और दूसरी चीज़ें भी खाता है, फल भी खा जाता है और जीव जंतुओं को भी मारकर खा जाता है। इसलिए उसको मांसाहारी कहते हैं, ठीक है। कुछ पक्षी, अब ये बुलबुल है, ये कीड़े मकोड़े ढूँढ कर खा जाती है, तो इसीलिए इसको मांसाहारी, इसको भी हम मांसाहारी कहेंगे। अधिकांश पक्षी शाकाहारी होते हैं, कुछ पक्षी मांसाहारी होते हैं, यानी जो मांस खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, किसी जीव जंतुओं को मार करके खा जाते हैं। अब मैं इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़े कठिन शब्द लिख रहा हूँ और कठिन शब्द के बाद में फिर अगला इस बुलबुल के बारे में आपको मैं वाक्य लिखाऊँगा। तो देखिए कठिन शब्द, सब अंडे गुलाबी बैंगनी ये शब्द में इसलिए लिख रहा हूं कि इनमें आप गलती करते हो, इन शब्दों को लिखने में आप गलती करते हो, इसलिए इनको लिख रहा हूँ मैं, सरल शब्दों को नहीं लिख रहा हूँ। ये क्या है कि संयुक्त शब्द हैं,
संयुक्त जिसमें आधा अक्षर कटा हुआ जुड़ा हुआ रहता है उनको संयुक्त शब्द कहते हैं। तो अब है ध्यान, आधा ध्यान आ रहा है इसमें, तुम्हें आधा में आया है, तुम्हें सब्जी ढूंढ कर, ये अनुनासिक शब्द है, इसमें चंद्रबिंदु जन्म लगता है, ढूंढ कर, ढूंढ कर ऊंची ऊंची अनुनासिक शब्द है। सिपाही सिपाही सरल शब्द है, सिपाही अगर सिपाही बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, सिपाही। पूंछ पूंछ तेज नुक्ते वाले शब्द हैं, जे पे नुक्ता लगा हुआ है, अब नुक्ते वाले शब्द भी मैं लिख रहा हूं। काफी जोर जोर घोंसला सुंदर, अधिकांश इसलेशन के कठिन शब्द कुछ आज लिख दिए, कुछ मैंने कल भी लिखे थे आज लिख दिए, तो कठिन शब्द इसलेशन के कंप्लीट हो गए, इनको एक बार में और पढ़ रहा हूँ। अंडे गुलाबी बैंगनी ध्यान तुम्हें सब्जी ढूंढ कर ऊंची सिपाही पूंछ तेज काफी जोर घोंसला सिपाही, ये शब्द मैंने लिखे। अब मैं बुलबुल के बारे में आज अब वाक्य लिखा रहा हूँ आपके लिए, बुलबुल के बारे में 5 वाक्य लिखाऊंगा जिससे आप समझ सकें, कहीं अगर बुलबुल आपको दिखाई दे आपके घर के आसपास कहीं भी तो आप पहचान सकते हैं कि ये बुलबुल है। बुलबुल के बारे में वाक्य, वाक्य इसके बारे में 5 वाक्य, सरल सरल वाक्य लिखने की कोशिश करनी चाहिए, कठिन शब्द वो कठिन वाक्य और लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए, छोटे होंगे वाक्य तो उनमें गलतियां नहीं होंगी आपसे, और गलतियां जो होती हैं वो वर्तनी की अशुद्धियों की होती हैं, यानी मात्राओं की गलतियां होती हैं, वो गलती नहीं करना है। छोटे वाक्य लिखेंगे तो हमसे गलती बिल्कुल नहीं होगी, जितने बड़े वाक्य लिखेंगे तो उसमें गलतियाँ होंगी। पहला वाक्य बुलबुल एक सुंदर पक्षी है, सुंदर पक्षी है, नंबर 2 बुलबुल बहुत सुंदर घोंसला बनाती है,
बहुत सुंदर घोंसला बनाती है। बनाती है बुलबुल फल सब्जी और कीड़े भी खाती है। कीड़े भी खाती है। अगला है बुलबुल के अंडे। बुलबुल एक बार में दो या तीन अंडे देती है। बुलबुल एक बार में दो या तीन अंडे देती है। दो या तीन बुलबुल एक बार में दो या तीन अंडे देती है। नंबर फाइव, बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। रंग के होते हैं। होते हैं। ये मैंने आपके लिए वाक्य लिख दिया। अब देखियो इन वाक्य जो मैंने लिखे हैं इनमें आप कहाँ गलती करते हैं वो वाक्य में पढ़ करके एक बार समझा रहा हूँ आपको। तो वाक्य तो आप इसमें से 10 भी लिख सकते हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, यानी जितना जो पाठ है वो बुलबुल के बारे में है। तो बुलबुल एक सुंदर पक्षी है, एक है, ठीक है, इसीलिए यहाँ है पर कोई बिंदु नहीं आएगा, ठीक है, एक सुंदर पक्षी है। बुलबुल बहुत सुंदर घोंसला बनाती है। हम बुलबुल के बारे में लिख रहे हैं और एक के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर है नहीं आएगा, है आएगा। बुलबुल फल सब्जी और कीड़े भी खाती है। एक वचन में वाक्य लिखे जा रहे हैं, ये वाक्य एक वचन में, इसीलिए यहाँ पर है पर कोई मात्रा नहीं आई, कोई बिंदु नहीं आएगा, कोई अनुस्वार नहीं आएगा, बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। बुलबुल एक बार में दो या तीन अंडे देती है, ठीक है, देती है। बुलबुल एक है, अंडे चाहे दो या तीन देती है, लेकिन एक बुलबुल के बारे में हमने ये वाक्य लिखा है तो देती है। फिर है बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अब यहाँ पर ये अंडे हो गया, अंडा से क्या हो गया, अंडे, बुलबुल के अंडे, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो यहाँ बहुवचन में जो वाक्य हो गया ये बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है कि अनुस्वार आ गया, बहुवचन का ये वाक्य बन गया, क्योंकि अंडा एक नहीं देती, वो कई देती है, ठीक, इसलिए यहाँ पर ये बुलबुल के बारे में मैंने आपके लिए वाक्य लिख दिए। तो समझ में आया, ये बुलबुल के बारे में मैंने जो वाक्य लिखे आए ना, हाँ ठीक है, आप तो हाथों हाथ लिखते जा रहे हैं, बहुत जल्दी टाइप करते हैं आप, बहुत अच्छे। हाँ फिर है आगे अगला जो मैं करा रहा हूँ, इसमें से कराने तो सभी हैं, लेकिन अब मैं इसमें से करा रहा हूँ आपके लिए
उनके लिए एक नाम लिखो, यानी अनेक चीज हैं उनके लिए एक नाम लिखो कि इन्हें क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं। कुछ चीज़ों के मैं नाम लिख रहा हूँ, उनको आपको बताना कि इन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, पक्षी कहते हैं, क्या कहते हैं, पक्षी। फिर है गोभी, आलू, भिंडी, इनको क्या कहते हैं, गोभी, आलू, भिंडी, इनको क्या कहते हैं, बोलिए, हाँ पक्षी आ गया। सब्जी, इनको क्या कहते हैं, सब्जी कहते हैं इनको। फिर है संतरा, केला, सेब, संतरा, केला, सेब, ये क्या है, फल, ये क्या है, फल। उसके बाद में गाय, हाथी, कुत्ता, गाय, हाथी, कुत्ता, ये क्या है, जानवर, क्या है, जानवर। मूंग, चना, अरहर, ये क्या है, मूंग, चना, अरहर, क्या है ये, क्या है मूंग, चना, अरहर, क्या है, नहीं लिखा अभी किसी ने, दाल, वेरी गुड, हाँ आदर्श ने लिखा, दाल है। इसी तरह ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, ये क्या है, ज्वार, बाजरा, गेहूं, अनाज, ये क्या है, अनाज है। तो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं अब आपके लिए कि इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, इसको साफ कर रहा हूं। इन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर वन गोभी, आलू, भिंडी, ये क्या है, सब्जी, क्या है ये, सब्जी। पहले मैंने बोल कर बता दी, अब तो आराम से जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, संतरा, केला, सेब, ये क्या है, ये क्या है, फल, वेरी गुड, फल। गाय, हाथी, कुत्ता, जानवर, मूंग, चना, अरहर, ये क्या है, दाल, और गेहूं, जौ, बाजरा, ये है अनाज, ये है अनाज। और आगे एक और है बुलबुल, तोता,
कबूतर, ये हैं पक्षी। ये क्या हैं? पक्षी। ये समझ में आया आपकी? मैंने आपको इतना कराया है काम, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें यानी इनमें को एक नाम लिखो इनको जो भी कहते हैं। संतरा, केला, सेब, फल, क्या है ये? फल है। गोभी, आलू, भिंडी, ये क्या है? सब्जी। हाथी, गाय, कुत्ता, ये हैं जानवर। मूंग, चना, अरहर, दाल है। गेहूं, जौ, बाजरा, अनाज। बुलबुल, तोता, कबूतर, ये क्या है? पक्षी। समझ गए? इतना कराया इस लेसन में से आज मैंने, इसमें से मैंने कठिन शब्द लिखाए आपको। कठिन शब्दों को, एक शब्द को कम से कम तीन तीन बार लिखो, एक शब्द को तीन तीन बार लिखना है इनको। और फिर मैंने बुलबुल के बारे में जो वाक्य लिखे हैं, पांच वाक्य लिखवाए आपको, उनको बोलने का और लिखने का अभ्यास करो। पहले उसको देख देख कर बोलो और बाद में उनको जब आपको याद हो जाए तो उनको बिना देखे उनको बोलिए। पहले अपनी नोटबुक को उल्टा रख दीजिए और उनको बोलिए, तब आप बोल सकते हैं उनको। उसके बाद में आप बिना देखे लिखिए कि आप पांच वाक्यों में से तीन लिख सकते हैं या चार लिख सकते हैं या पांचों लिख सकते हैं। इस तरह आप अभ्यास करेंगे तो आराम से पांचों वाक्यों को लिखना आपको आ जाएगा। इसके कठिन शब्द आपको आ गए तो ये समझो कि आप पूरी कोई भी किताब पढ़ सकते हो। किताब पढ़ने में इनसे आसानी होगी। कठिन शब्दों को हम इसीलिए कराते हैं कि बच्चे आराम से अपनी किताब पढ़ना सीख जाएं। किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को किताब पढ़ना नहीं आता है वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, किताब पढ़ना नहीं सीख सकते हैं। और इसीलिए किताब शब्दों का ज्ञान होना ज़रूरी है उसके लिए, और शब्दों का ज्ञान जब होगा जब आप किताब पढ़ेंगे। अपनी किताब में से रोज़ आप 10 शब्द ढूंढिए जो आपको कठिन लगते हैं, उनका अभ्यास करिए, बार बार लिखिए, तो वो 10 शब्द आएंगे। तो फिर आप वो 10 शब्द एक दिन में आप सीखेंगे तो ये समझो कि आप इस तरह से 10-10 शब्द सीखेंगे तो आप एक महीने में तो आप बहुत सीख जाएंगे। फिर क्योंकि एक बार सीखने के बाद उन शब्दों को कभी भूलेंगे नहीं। अब तो मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपकी? मैं अब मैं आपके लिए जो कराना जा रहा हूँ वो है, पहले समझा रहा हूँ, करा नहीं रहा हूँ आज। पहचानो, किसी चीज़ के लक्षणों को देख करके पहचानो। कैसे पहचानते हैं वो देखिए ध्यान से, सुन लीजिए आप। ये तो खैर इतना करा दिया मैंने, तीन रिटन काम आज इतना ही कराऊंगा, अब मैं कुछ ओरल करा रहा हूँ वो देखिए, और आप आंसर भी आराम से दे सकते हैं इसका। हमें पहचानो, कहने पहचानो जो पढ़ रहे हैं उनको। मैं काली हूँ और मीठा गाना गाती हूँ, मैं काली हूँ और मीठा गाना गाती हूँ, बताओ क्या है, बताओ क्या है। मैं काली हूँ और मीठा गाना गा, वेरी गुड। ये आदर्शनी साईं विजय, इसका सबसे पहले आया कोयल, अब तो बहुतों का हर्षिता का आ गया, वेरी गुड। तनिष्क का, गुनावत, प्रवरूप, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे आ गया आपका कोयल। ठीक है, अगला है, मैं हरा हूँ लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। मैं हरा हूँ लाल मेरी चोंच है और हरी मिर्च खाता हूँ, कौन है, कौन है? तोता। प्रभुरूप ने बोला सबसे पहले तोता, और अब सभी ने बोल दिया, वेरी गुड, तोता। ठीक है, तोता की क्या है कि चोंच बहुत सुंदर होती है, लाल रंग की होती है, ठीक है,
और तोता देखने में भी सुंदर लगता है, ये पालतू भी बना सकते हैं इसको। और अगर इसमें इतना लिखे मैं हरा हूँ और लाल मेरी चोंच है तो भी उत्तर तोता, और उसमें ये लिख दिया हरी मिर्च खाता हूँ तो भी ये सही है। फिर है सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पांव हैं और लंबे लंबे दांत हैं, का क्या हो गया? हाँ हाथी, वेरी गुड वेरी गुड हर्षिता, बहुत अच्छे। तो तीनों का आंसर आपने दे दिया कि मैं काली हूँ और मीठा गाना गाती हूँ, इसका भी आंसर आया। मैं हरा हूँ लाल मेरी चोंच है हरी मिर्च खाता हूँ, इसका आ गया तोता। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पांव हैं और लंबे लंबे दांत हैं हाथी। इसके बाद सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है और बादल देखकर नाचता है। हैं? बादल देखकर नाचता है कौन? मोर। वेरी गुड वेरी गुड। मोर है, मोर क्या है कि बादलों को देख करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। बादल जब बारिश होने को होती है, जुलाई अगस्त के महीने में बारिश होती है, मौसम सुहावना हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है और बरसात हो जाती है या होने वाली होती है, उस समय क्या है कि बादलों को देख करके मोर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर नाचने भी लगते हैं। नाचने का मतलब है वो खुश होते हैं जब नाचते हैं, ठीक है? कोई भी खुश होने के बाद में नाचता है, वो मोर बादलों को देख करके प्रसन्न होता है। फिर आगे घरों में आता हूँ सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ, ये आप जानते ही हैं। घरों में आता हूँ और सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ, वेरी गुड। चूहा, चूहा आप समझ गए, एकदम तुरंत समझ गए। तो इतना मैंने क्या है कि आपके लिए ये आज कराया, इसको मैंने ओरल कराया है, हमें पहचानो। और इसके बारे में मैंने वाक्य लिखा है आपके लिए बुलबुल के बारे में, और इन चीज़ों को क्या कहते हैं उन चीज़ों के नाम लिखे हैं और उनको एक नाम देना था, ये भी मैंने करा दिया। अब मैं आपके लिए आगे जो कराऊंगा, पक्षी और उनकी कलगी का रंग, पक्षी और उनकी कलगी का रंग। कलगी किसको कहते हैं बताओ कोई? कलगी का मतलब, कलगी कहते हैं मुकुट को, मुकुट होता है ना सिर पर ताज, सिर पर जो होता है उसको कहते हैं कलगी, सिर पर जो होती है उसको कलगी कहते हैं। तो बस ये आज का ये लेसन आपका यही ख़त्म करता हूँ, और ये इसी तरह इसको घर से आप पढ़ने का अभ्यास करिए, और मैं आपको इन और पक्षियों के बारे में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा नेक्स्ट डे में कि बुलबुल क्या क्या खाती है, और तुम बताइए कि कौन कैसी आवाज़ में बोलता है, आपका मानीटर या और बच्चों के नाम लेकर के ये भी लिखाऊंगा, और बुलबुल या किसी पक्षी के बारे में कुछ कविता भी लिखाऊंगा एक दो, ठीक है? कविता आपको तोता के बारे में या मोर के बारे में कविता हो तो एक दो कविता आप याद करके रखिए अपने लिए, जिससे क्या है कि आपको आनी चाहिए कोई कविता, ठीक है? तो आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खूब अच्छा ध्यान दिया, देखो मुकुट लिख दिया कोषागिर मित्तल ने, मुकुट शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं आज का यहाँ ये ख़त्म करता हूँ आपका, और धन्यवाद। इसी तरह से ध्यान दो और पढ़ते रहिए, हम आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद, खुश रहो, घर में रहो, मस्त रहो।